अगली खबर में बात करते हैं बजरंग सेना को लेकर। आपको बता दें, बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस को बजरंग सेना ने शौर्य दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि बाबरी मस्जिद हमारे लिए कलंक थी, उसे ध्वस्त कर हमारे कार्य सेवकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, जिसके बाद ही हम राम मंदिर निर्माण कर सके। कोठारी बंधु को याद करते हुए बजरंग सेना ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मना रही है। निज मन मकुर सुनाय, परनाओ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चाय, बुद्धिहीन तनु जानिए, सुमि रहौ पवन कुमार, फल मूल विद्या देहु मोहि, करहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोके उजागर, राम दूत जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज शौर्य दिवस है। आज के दिन ही बाबरी मस्जिद, जो भारत के लिए कलंक थी, सनातन धर्म के लिए कलंक थी, सनातनी हिंदुओं के लिए कलंक थी, उसको गिराया गया था। इस बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए न जाने कितने हमारे हिंदू भाइयों ने अपनी कुर्बानी दी। उनके कुर्बानी के बाद, जैसे कोठारी बंधु हो गए, उनके कुर्बानी के बाद वो दिन हमको आया था। उसी का उत्सव मनाने के लिए आज बजरंग सेना पूरा यहाँ पर एकत्रित हुआ है। हम लोगों ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया, भव्य आरती हुई। क्या नाम है आपका? मैं रामशंकर मिश्रा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमने जो लड़ाई लड़ी, भारत की स्वतंत्रता के लिए 200 वर्ष की लड़ाई लड़ी, और राम मंदिर की स्वतंत्रता के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए हम लोगों ने, हिंदू धर्म के सनातनी भाइयों ने जो लड़ाई लड़ी, वो करीब 700 वर्षों की थी। 700 वर्षों की लड़ाई और तपस्या के बाद ये दिन प्राप्त हुआ था। अभी जैसा कि आपको पता है, हमारे योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए, इनके कारण भव्य राम मंदिर निर्माण चालू है, 2023 तक बनकर तैयार होगा। हम सब लोगों को, हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको दर्शन प्राप्त होंगे। एक चीज़ और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। आपको पता है कि अभी इस समय JNU में, चाहे ब्राह्मणों को लेकर हो, चाहे हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं आप सबके न्यूज़ चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि तत्काल JNU को इन जिहादियों के चंगुल से मुक्त कराया जाए। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बजरंग सेना का नारा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर कोई जातिवाद पे जा करके, जातिवाद को, किसी विशेष जाति को गाली दे करके, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी हमारे भाई हैं, चाहे SC ST हैं, किसी भी जाति को गाली देता है, तो निश्चित रूप से ऐसे अधर्मियों को जूते की माला पहनानी चाहिए। और बजरंग सेना जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, निश्चित रूप से आप सबको इस तरह के कार्यों में तैयार मिलेगी और कार्य करती रही है। जय श्री राम। गया था, आज उन्हीं को हम सब श्रद्धा नमन अर्पित करते हुए, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, आदरणीय प्रदेश संगठन मंत्री देवेंद्र शुक्ला जी, मुकेश साहब, राष्ट्रीय महत्व जी राम शंकर जी, और हमारे अजय जी, साथी जी, राकेश जी, बच्चा जी, ओम जी, हमारे सभी, हम सब यहाँ पर बजरंग सैनिक इकट्ठे हुए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दो शब्द हमारे प्रदेश महापति जी बोलेंगे। हम सबके लिए आज बहुत ही गौरव का दिवस है कि हमारे राम जन्मभूमि में जो राम मंदिर बन रहा है, उसकी आधारशिला और उसका जो शुरुआत की थी अपने